तो हेलो 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 गाइस, क्या हाल चाल? सबका स्वागत है एक और नई ब्रांड न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप बढ़िया होंगे और हम भी बढ़िया। तो दोस्तों, बहुत दिनों के बाद तुम्हारा भाई बड़ी भाई तुम्हारे लिए वीडियो लेके आया है, और आज की वीडियो बहुत ही कमाल धमाल हो सकती है आपके लिए, बहुत ही अच्छी नॉलेज वाली भी हो सकती है। तो भाई, जब भी मैं लाइव आता हूँ या तो कोई भी वीडियो अपलोड करता हूँ, उसमें कुछ तो मेन कमेंट्स होते हैं कि भाई भैया हम FPS कैसे बूस्ट करें, किसी का 50 आ रहा है, किसी का 60 आ रहा है, किसी का 100 आ रहा है। कुछ कुछ तो आके बोलते हैं हमारे 500 500 FPS भी आते हैं पंजाब लॉन्चर में। तो मैं उनको बोलता हूँ कि भाई यार, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तुम्हारे डिवाइस ही अगर 2 या 3 GB की है तो उसमें इतने सारे FPS नहीं आ सकते, लेकिन फिर भी तुम लोग समझते नहीं हो, फिर भी इतने रिक्वेस्ट करते। तो मैंने सोचा क्यों ना इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो लेके आई जाए और देखा जाए कि सच में टेक्सचर, जो हमारे टेक्सचर पैक वगैरह होते हैं, उससे हमारे FPS जो है बूस्ट होते हैं, हमारी गेम पर कुछ असर पड़ता भी है या नहीं। तो अभी आप देख सकते हो मेरे ऊपर 25 26 30 ऐसे करके, मतलब नॉर्मल है, ठीक है। अभी कोई भी टेक्सचर पैक मैंने नहीं लगाया, आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, ठीक है। सिर्फ एक ये नाइट विजन वाला टेक्सचर पैक है, बाकी कोई भी टेक्सचर पैक नहीं लगाया है मैंने। तो अब मैं देखता हूँ कि अगर मैं कोई टेक्सचर पैक यहाँ पे FPS वाला लगाता हूँ, जिसका नाम ही FPS बूस्ट करने के लिए बनाया गया है, तो वो हम आज ढूंढेंगे और लगाएंगे लाइव आपके सामने। तो आपको पता है हमेशा की तरह हमारी ये वीडियोस अनकट रहने वाली हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और अगर वीडियोस आपको पसंद आती है तो वीडियोस को लाइक कर दिया करो, है ना, मज़ा आता है। और क्या, अभी चलते हैं और देखते हैं क्या क्या हमको मिलता है। एक मिनट, थोड़ा सा स्क्रीन रोटेशन को ऑन कर लेते हैं, ठीक है। तो अनकट वीडियोज़ मेरी रहती है, जैसे कि आपको पता है, कोई कट नहीं लगाऊंगा, तो मैं आपके सामने ही यहाँ पे ढूंढ के दिखाऊंगा। तो अब चलते हैं अपने क्रोम पे, ठीक है। आज सिर्फ कर्सफोर्स से नहीं ढूंढूंगा, आज और भी जगह से ढूंढूंगा। तो सिंपली यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ FPS बूस्टर टेक्सचर पैक, ठीक है। FPS बूस्ट टेक्सचर पैक, ठीक है। यहाँ से आगे तो यहाँ पे देखो यार, सोर्स पैक फॉर माइनक्राफ्ट करके ऐसे आ रहा है, बहुत सारी ऐसे आ रही हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले वाली इस वेबसाइट पे जाके देखते हैं कि हमको यहाँ पे कुछ मिलता है या फिर किसी और वेबसाइट पे जाके हमको मिलना है, ठीक है। तो लोड हो जाए जल्दी जल्दी। ओके, तो यहाँ पे तो मुझे नहीं लगता कि कुछ फेथफुल, ओके फेथफुल है, एक बिम केस करके है, ग्लेजिन है, ओके। यहाँ से इनके ये सिर्फ नाम की रिकमेंडेशन दे रहे हैं मुझे, ठीक है। तो यहाँ से चलते हैं, इसको छोड़ते हैं, ठीक है। FPS बूस्ट टेक्सचर पैक माइनक्राफ्ट डाउनलोड प्लैनेट, यहाँ से मिल सकते हैं। प्लैनेट माइनक्राफ्ट से मैंने पहले भी आपको आपके लिए वीडियोस लेके आए हैं। तो FPS माइनक्राफ्ट टेक्सचर पैक्स यहाँ से देखते हैं कौन कौन सा आता है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे इतने सारे आ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पोलिश कुछ करके है, फिर स्प्लोच है, वेयर बोन्स है, ठीक है। तो इसमें हम इन तीनों में से ये वाला ट्राई करते हैं, वेयर बोन्स। मुझे नहीं पता, मैंने अभी तक ट्राई भी नहीं करा है कोई भी इनमें से, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करता हूँ, ठीक है। तो ये आ गया हमारा यहाँ पे, और उसको डाउनलोड करने के लिए हमको यहाँ से करना पड़ेगा, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है, इसको कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे वर्जन भी दिखाता है आई थिंक, या फिर नहीं दिखाता है, चलो देखते हैं। ये 1.20 के लिए है वैसे तो। कंटिन्यू यहाँ से डाउनलोड करते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ से ये आ रहा है, इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। ओके, योर डाउनलोडिंग स्टार्टेड। ओके, डाउनलोड हो गया, नहीं हुआ अभी तक। डिटेल्स, अच्छा APK नहीं चाहिए हमको। वेयर बोन्स नाम से 1.20 के लिए आ रहा है, ठीक है। तो इसको फ़िलहाल तो 1.18 में लगा के देखूंगा कि चलता है या नहीं चलता है, ठीक है। एक ये हो गया हमारा, तो इसके साथ साथ ही हम एक दो और कर लेते हैं, ताकि हमको बार बार इस वेबसाइट पे ना आना पड़े या कहीं और ना जाना पड़े, ठीक है। तो एक को और मुझे दिखा था वहाँ पे फेथफुल वाला, वो भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो नहीं है, मुझे नहीं दिखता यहाँ पे कुछ। अरे यार, ये एड्स क्यों आती है इतनी सारी? चल छोड़ो, अभी कर्सफोर्स पे चलते हैं, ठीक है। एक कर्सफोर्स से कर देते हैं हम, कर्सफोर्स पे भी मिल जाएगा शायद से, माइनक्राफ्ट कर्सफोर्स, ठीक है, हमारी फेवरेट वेबसाइट। रिसोर्स पैक FAI फुल, यही नाम था उसका, ठीक है। इसको सर्च करते हैं, अगर मिलता है तो। फेथफुल, ओके, फेथफुल PB, अगर फेथफुल एक वन, फेथफुल फॉन्ट, फेथफुल पैराडाइज लॉस्ट, भाई फेथफुल के नाम से तो बहुत सारे आ रहे हैं, ठीक है। तो हम पहले वाला करके देखते हैं, ठीक है। इसमें अगर 1.18 के लिए मिल गया तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा काम, ठीक है। यहाँ से सही रहता है, कर्सफोर्ज माइनक्राफ्ट वेबसाइट बेस्ट है भाई,
जो मर्जी बोलो, अब चाहे मेरे को जितना मर्जी गालियाँ दो कि भाई तुम वही करते रहते हो, ठीक है। यहाँ से 1.18.2 का तो नहीं है, लेकिन 1 वाला हम इसको ही डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे टाइम लगेगा थोड़ा सा। तो दोस्तों बोलने का मतलब यही है कि कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है। मैंने तो पहले भी ट्राई करके देखे हैं कुछ कुछ, लेकिन होता नहीं है। मैंने 2-3 पहले भी डाउनलोड करके रखे हैं, वो भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। ये दोनों हो गए, तो अब वापस चलते हैं गेम में, ठीक है। पहले इन दो को ट्राई कर लेते हैं। इधर आओ बेटा। अरे यार ये बड़ी दिक्कत है। ओके, तो अभी क्या है, अभी हमको जेड अचीवर में आना है, ठीक है। तो हमने दो करे हैं डाउनलोड, तो यहाँ से हम डाउनलोड्स वाले ऑप्शन में जाते हैं। और क्या नाम था, एक तो फेथफुल था, दूसरे का नाम मैं भूल गया। ओके रुको, पहले एक तो कर लेते हैं फेथफुल, ये वाला, इसको कट करते हैं। और दूसरे वाले का नाम मैं भूल चुका हूँ, उसको मैं देखता हूँ क्या नाम है। यार मेरी यही दिक्कत है ना, मैं एक तो अनकट वीडियो बनाता हूँ और बीच में भूल जाता हूँ, और ये सब चीज़ें भी रिकॉर्ड हो जाती हैं, और तुम लोग बोलते हो कि पता नहीं क्या बोर करता रहता है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि भाई सही सही चीज़ें आपको दिखाऊँ, आप तक पहुँचाऊँ, है ना। कोई ऐसा, कोई क्लिक बेट नहीं करना चाहता मैं आपके साथ, ठीक है। ये डाल दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। और दूसरे का नाम क्या था, मैं नाम भूल गया, नाम देख के आता हूँ। बहुत तेज़ हूँ ना मैं दोस्तों, ठीक है। डाउनलोड्स में जाता हूँ, और उसका नाम था, हाँ, बेरबोन्स। अबे यार क्या इतना आसान नहीं, मैं फिर भी भूल गया मैं। ओके, यहाँ पे कर्स फोर्स की वेबसाइट पे आ गया हूँ, डाउनलोड पे आ गया हूँ, बेरबोन्स। तो बेरबोन्स 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 कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। ये 1.20 के लिए, लेकिन इसको हम 18 में चला के देखेंगे, ठीक है। 20 में भी चला के देखेंगे, ऐसी बात नहीं है, वो भी आपको करके दिखाऊंगा मैं, ठीक है। ऐसा मैं सोचना कि ये सिर्फ मैं इसी में चला के दिखाऊंगा और मैं बोलूँगा अरे ये तो चलता ही नहीं है बाबा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो हमने दो वेबसाइट से दो टेक्सचर पैक डाउनलोड करें, और कर्स्ट से मैंने पहले कुछ और करे थे, वो भी आपको दिखा दूंगा, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों मैंने पेस्ट कर दिए हैं। अब चलते हैं अपनी गेम की तरफ, अपना पंजाब लॉन्चर। यहाँ पे हम जाते हैं ऑप्शन में, रिसोर्स पैक में, और सबसे पहले हम बेयर बोन्स वाला डाला था, ठीक है। इसी को ट्राई करते हैं, ठीक है। तो इसको देखते हैं, इसमें होता है कुछ FPS का कुछ, या फिर हमारा गेम प्ले, हमारा गेम में कुछ स्मूथनेस आती है 1.18 में या नहीं। इसके बाद फिर उसको 1.20 में भी हम ट्राई करेंगे। चलो देखते हैं। ओके ये खुल तो गया है, और कुछ अजीब सा लग रहा है मुझे। अबे ये क्या हो गया। FPS तो वही रहे मेरे 25-26, लेकिन मेरा वर्ल्ड कार्टूनिस्ट बन गया भाई। भाई 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 ठीक है, 25-30-29 FPS में थोड़ा सा फ़र्क तो पड़ा है, गेम भी थोड़ा सा स्मूद। अभी गिरना नहीं बाबा, रेटिंग में नहीं हूँ मैं, सर्वाइवल में हूँ, ठीक है। थोड़ा सा लग तो रहा है, फ़र्क तो लग रहा है कि स्मूदनेस आई है, ठीक है। स्मूदनेस तो दिख रही है, लेकिन ये मेरे को टेक्सचर्स पसंद नहीं आए, ठीक है। तो इसको हम 1.20 में ट्राई करेंगे अच्छे से, ठीक है। तो अभी हम फेथफुल जो हमने ट्राई करा है, इसको करते हैं डन। फेथफुल वाले में देखते हैं कि फेथफुल वाले में हमारा क्या असर पड़ता है, एक्चुअली में हमारे जो FPS है वो बूस्ट होते हैं या नहीं होते हैं। वैसे मैंने तो नहीं देखा, क्योंकि मेरे 50 से ज़्यादा कभी जाते ही नहीं है। ओके फेथफुल वाला आ गया भाई। इसमें तो टेक्स्ट पैक थोड़े चेंज हुए हैं, और FPS सुपर फॉन्ट भी चेंज हो गए रहे इसके, तो 32-33। अरे यार वाह, बस सही है, लेकिन ज़्यादा फ़र्क नहीं दिख रहा है मुझे इसमें भी, ठीक है। इसमें बस यही है कि टेक्स्चर थोड़े से इन्होंने अपने हिसाब, अबे ये क्या गंदा है, ये कैसे पिक्सल पिक्सल हैं, हैं भाई। नहीं भाई भाई नहीं होता ये सब चीज़ें, ठीक है। इतना खास फ़र्क नहीं पड़ा दोस्तों, ठीक है। 34-33 इतना ही है, थोड़ा फ़र्क पड़ा। अगर तुम भी ट्राई कर लेना, अगर तुम्हारे फ़ोन में ही देखो भाई, क्या ये क्या है भाई, ऐसे में गेम खेलोगे तुम, ये क्या है भाई। नहीं भाई फेथफुल तो मुझे नहीं पसंद आया। अगर तुम्हारे पास भी कोई नाम हो सजेशंस, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता देना कि भैया ये वाले ट्राई करो, वो वाले ट्राई करो, उससे बढ़ते हैं उससे बढ़ते हैं, ठीक है। मैं वो भी ट्राई करूँगा, तो मुझे जो दिखे सामने सामने वो मैंने उसको कर लिया, ठीक है। तो ये वाले हटाता हूँ, मोमो चुप करो, ये मोमो बहुत बोलती है मेरे बीच में, ठीक है। इसको हटाते हैं। उससे पहले मैंने कल ट्राई किया था एक ये वाला, ठीक है, ये वाला था एक, थोड़ा लोअर वर्जन के लिए था, तो इसको मैंने ट्राई किया था, लेकिन ये भी नहीं है। जेरिडो मास्टर नाम है इसका, ठीक है। जेरिडो मास्टर यहाँ से देख सकते हो, यही नाम से आपको कर्स फोर्स की वेबसाइट पर मिल जाएगा ये, ठीक है। तो इसके भी टेक्स्चर्स तो बाबा रे बाबा सही है, लेकिन इसमें FPS बूस्ट होते हैं या नहीं मुझे नहीं समझ रहा, क्योंकि इसमें FPS और ड्रॉप हो रहे हैं मेरे, देखो 19-15-15-6 तक चले गए, ठीक है। तो इसमें तो मेरे बढ़ने के अलावा चले गए, ठीक है, बढ़ने तो दूर रहे, और थोड़े से टैक्सी इसमें चेंज हुए हैं डट के, एक्चुअली ये देखो चेंज हुए हैं, लेकिन फ़ायदा नहीं है इसमें, टेक्सचर चेंज कर रहा है ये, लेकिन FPS का बूस्ट कर दे कुछ ऐसा हो जाए, मुझे इसको समझ नहीं आई इसकी, ठीक है। इसके अलावा एक और करा था मैंने,
एक ये था स्मार्ट बूस्ट, ठीक है, स्मार्ट बूस्ट वाला ये वाला करके देखते हैं। इसमें भी मुझे कुछ, इसमें तो बहुत ही बेकार ही लगा, इसके तो टेक्सचर ही चेंज कर देता है ये तो पूरे आपके गेम के, और FPS तो बूस्ट होते नहीं है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों, आपके डिवाइस अगर सही नहीं है तो आपके नहीं होंगे। देखो ये तो क्या ही बना दिया इसने, ऐसे लग रहा है बनी कहाँ पहुँच गया मैं, ठीक है। तो इसमें भी FPS ज़्यादा बूस्ट नहीं होते हैं भाई, वही है 27 23, इतने तो मेरे नॉर्मली आ जाते हैं। बस एक जो फेथफुल वाला था उसमें तो उसमें भी नहीं बड़े थे एक्चुअली। मेरे FPS जो बड़े थे थोड़े से ना, वो बड़े थे हमारे बेर बोन्स वाले में थोड़े से, तो उसको हम 1.20 में करेंगे ट्राई। और एक जो है मेरा परमानेंट, उसको भी मैं लगा के दिखा देता हूँ, जो मैं परमानेंट यूज़ करता हूँ, ठीक है, ये वाला FPS बूस्ट। ये मेरे को एक सब्सक्राइबर ने दिया था, ठीक है, तो उसको आपको पता होगा मैं नॉर्मली इसको ज़्यादातर यूज़ करता रहता हूँ, तो ये भी सही है। लेकिन मुझे इसमें भी इतना ज़्यादा वो दिखता नहीं है कि हाँ कि यार मेरी तो गेम इतनी स्मूथ हो गई या कुछ FPS फ़र्क पड़ गया हो, है ना। और कुछ लोग सोडियम वगैरह लगा के देखते लगाते हैं उसमें, करते हैं कि हमारा ये हो गया वो हो गया, ठीक है, इसमें भी कुछ नहीं फ़र्क पड़ता मुझे तो, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं दिखता। अगर यहाँ पे एंटिटी नहीं है, अगर मैं कहीं कोई फार्म वार्म बनाऊँगा या तो फिर किसी सर्वाइवल वर्ल्ड उसमें जाऊँगा, अपने सर्वर्स में जाऊँगा, तो वहाँ पे तो FPS की बाट लग जाती है मेरी, है ना, ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखता है भाई, ठीक है, कुछ नहीं होता ऐसा, ठीक है। बस कुछ 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 जो टेक्सचर पैक्स या कुछ ऐसे मोड्स है ना, वो क्या करते हैं तुम्हारे यहाँ पे जो FPS दिख रहे हैं ना, उसको मैनिपुलेट करते हैं। मैनिपुलेट इन द सेंस कि वो क्या करते हैं कि वहाँ पे अगर अगर तुम्हारे 20 FPS आ रहे हैं ना, तो वो 20 का वो तुमको 60 दिखाएंगे वो लिख के वहाँ पे, और तुमको लगेगा हाँ भाई यार मेरा तो FPS है, तुम क्योंकि जो दिखता है वही होता है ना, है ना। तुम्हारा गेम प्ले तो स्मूथ हुआ नहीं होता है, तुम्हारी गेम तो स्मूथ हुई नहीं होती है, लेकिन तुमको देखने में ऐसे ही लगता है कि अरे वाह अगर हमारा 60 लिख के आ रहा तो 60 ही होंगे, 60 वैसा होता नहीं है, 60 नहीं होते, 100 नहीं होते, ठीक है, अगर तुम्हारी डिवाइस ही नहीं करती। आजकल PC में भी भाई, PC वाले भी 100 150 तक ही ले पाते हैं, इससे ज़्यादा उनके भी नहीं आते, तो भाई मोबाइल में कैसे ही लोगे, इतनी छोटी सी स्क्रीन में कितने ही FPS ले लोगे तुम, है ना, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये सब गलत फहमियाँ होती हैं कि तुम्हारे FPS बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जो FPS नॉर्मल आते हैं उससे थोड़ा सा बढ़ जाते हैं। हाँ मैं मानता हूँ कि थोड़े बहुत बढ़ते हैं, किसी के 10 बढ़ जाएंगे, किसी के 5 FPS और आने लग जाएंगे, थोड़ा सा स्मूथ हो जाएगा, लेकिन इतना भी स्मूथ नहीं होगा। बाकी देखो अभी मेरा रेंडर डिस्टेंस के ऊपर भी ये वो करता है, ठीक है, मैं यहाँ पे जाता हूँ, रेंडर मेरा 5 है ना, अगर इसको मैं 3 कर दूंगा तो मेरे थोड़े से FPS ऐसे बूस्ट हो जाएंगे, दिखाता हूँ तुमको मैं, ठीक है, ये देखो, और देखो 35 पहुँच गए सीधे ही, सीधे 35 31 30, ठीक है, जैसे ही मैंने FPS वो करा वैसे ही मेरे थोड़े से और बढ़ गए, ठीक है। अगर मैं इसी रेंडर डिस्टेंस को देखो, मैं तुम्हारे सामने बढ़ा के दिखाता हूँ, मैं 10 या 13 कर देता हूँ, ठीक है, मान लो 13 कर दिया मैंने, अब देखना मेरे FPS की तुम, ये देखो भाई सीधे 3 6 8, तो मैं क्या बताऊँ तुमको। अगर तुम PvP करते हो ना दोस्तों, ठीक है, PvP में तुम्हारे को क्या बहुत दूर का तोड़ना देखना होता है, तो मेरा ये सजेशन है कि भाई PvP करते हो तो अपने उसको थोड़ा सा वो कम कर लो, रेंडर को कम कर लो और खेलो भाई, है ना, देखो फिर वापस से मेरे वो हो जाएंगे, नॉर्मल हो जाएंगे, 23 आ गए, देखा, वही होता है दोस्तों, बस ये है, तुम्हारी डिवाइस के ऊपर वो करता है, ठीक है। अभी बात रही हमारे जो एक हमारा मोड था, कहाँ गया, कौन सा था, फेथफुल वाला, है ना, नहीं सॉरी वेयर बोन्स वाला, है इसको हम 1.20 में ट्राई करेंगे, ठीक है, जल्दी से जल्दी हम इसको क्विट कर लेते हैं और गेम को भी क्विट करेंगे और 1.20 लोड करते हैं और उसमें देखते हैं कि हमारा ये वाला मोड जो है कितना वर्क करता है, ठीक है। यहाँ से क्विट करते हैं और फिर से पंजाब लॉन्चर में चलते हैं, ओके लेट्स गो, इंस्टॉल्ड 1.20 नॉर्मल वाला करूँगा, इसमें कोई फोर्ज नहीं, कोई कुछ नहीं, ठीक है, यहाँ से सेव किया और प्ले करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब थोड़ा सा कट ले रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा 1.20 लोड होने में टाइम लगता है, तो जैसे गेम लोड होती है मैं आपको मिलता हूँ वापस से। ओके गाइस, तो हमारा अभी जो है अपना खुलने वाला है 1.20 का वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड नहीं, वो गेम खुलने वाली है, हमारा जो वर्जन है वो ओपन कर रहा हूँ मैं, ठीक है, 1.20 यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो अभी देखता हूँ सिंगल प्लेयर में जाता हूँ, फटाफट से उसी वर्ल्ड में चला जाता हूँ जिस वर्ल्ड में था, नया वर्ल्ड बनाने जाऊँगा तो फिर से टाइम लगेगा, है ना, तो फटाफट से वर्ल्ड बनाते हैं और देखते हैं कि अभी पहले बिना किसी टेक्सचर पैक के मैं वो करूँगा, बिना टेक्सचर पैक के आपको दिखाऊंगा कि हाँ मेरे कितने FPS आ रहे हैं, उसके बाद फिर जब टेक्सचर पैक लगा के दिखाऊंगा कि हाँ फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता है, ठीक है, 1.20 में भी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलते रहते हैं कि हमारा ये 1.20 बहुत अच्छा चलता है, कुछ बोलते हैं कि नहीं चलता है, कुछ बोलते हैं हमने ये लगा लिए तो बहुत अच्छा चल गया, है ना, ये सब देखने की बातें होती हैं भाई, यार क्या ही बोलूँ मैं तुमको।
अब तुम अगर 10,000 वाला फ़ोन लोगे उसमें खेलने की कोशिश करोगे तो वैसा ही रिजल्ट आएगा जितना मर्ज़ी कोशिश कर लो। अगर आप 25,000 वाला 30,000 वाला फ़ोन लोगे तो उसमें थोड़ा सा बेटर अपने आप ही हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा प्रोसेसर भी चेंज होता है ना, प्रोसेसर के ऊपर भी चीज़ें जो है वो मैटर करती हैं। यहाँ पे FPS शो नहीं हो रहे क्योंकि मैंने FPS वाला जो है उसको मैंने बंद करके रखा हुआ है। आई थिंक कहाँ गया यार, कहाँ से होता है इसका, ये 1.20 का ना बड़ा ही दिक्कत वाला मामला है। एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स में होता है क्या? अरे यहाँ पे FPS कैसे शो करते हैं? चैट सेटिंग्स में होता है क्या? कलर्स ओन, बे कहाँ से दिखते हैं FPS इसके हैं? इसके FPS कैसे देखूँ, कैसे ऑन करूँ FPS? टेम्परेरी डाटा लैंग्वेज वीडियो। FPS ऑन कहाँ से करते हैं इसकी? अबे यार ये बड़ा दिक्कत है भाई 1.20 में। सो FPS वाले तो उसमें ऑप्शन ही नहीं है। रुको जरा दोस्तों, शायद इसमें ऑप्टिफाइन भी लगाना पड़ेगा, एक मिनट रुको। ओके गाइस, तो अभी मैंने ना क्या किया है, मैंने ऑप्टिफाइन लगा लिया है, ठीक है। तो अब देखता हूँ अब कहाँ से होता है FPS, इसका FPS ऑन का ऑप्शन ही नहीं मिल रहा यार। मैं तुमको कैसे दिखाऊँ कि मेरे FPS बड़े हैं या नहीं बड़े हैं, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, अब कुछ ज़्यादा मैं कर नहीं सकता। तो अब सिंगल प्लेयर में चलता हूँ फिर से, ठीक है, और सीधे FPS वाला जो मैंने टेक्सचर है मेरा वही लगा के दिखा देता हूँ तुमको कि मेरे वो थोड़ा सा स्मूथ हुआ या नहीं हुआ है लैग, क्योंकि तो मेरा को पता है लैग तो होगा मेरा, है ना, मेरा वर्ल्ड लैग तो होगा 1.20 में। अब देखते हैं भाई क्या होता है। इन्होंने 1.20 का ना थोड़ा सा UI चेंज कर दिया है, समझता ही नहीं है कहाँ से क्या चीज़ें निकलेंगी, क्योंकि मैंने इसको इतना ज़्यादा यूज़ भी नहीं किया है। अबे हो जाए जल्दी लोड, चलो वर्ल्ड तो लोड होने लगा। अब लैग कितना होता है ये देखते हैं, और फिर उसके बाद जो मैं अगर टेक्सचर लगाऊंगा तो कितना होगा। ओके FPS खुद ही दिखने लगी, वाह ये तो मैंने करा ही नहीं, इसके खुद ही दिखने लग गए, ठीक है। जैसे ही मैंने ऑप्टिफाइन लगाया FPS दिखने लग गए। आप देख सकते हैं आप 6 FPS 5 FPS दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। तो अब बारी है टेक्सचर पैक लगाने की और रियलिटी चेक आप लोगों को भी देने की। तो रिसोर्स पैक में जाता हूँ, यहाँ से बेयर बोन्स वाला था, ठीक है, इसको लगा के देखता हूँ। डन, अब पता चलेगा कि क्या होता है एक्चुअली में FPS हमारे कितने बूस्ट हो पाते हैं, ठीक है। डन, और वर्ल्ड तो वही 30 सा आया। लो भाई देख लो भाई, वही है 5 6 5 6 FPS। अब देखो यही हमारा टेक्सचर पैक में 1.18 में हमारे 20 से 25 के बीच में FPS आ रहे थे, ठीक है। लेकिन 1.20 जिसके लिए ये बना हुआ है टेक्सचर पैक, उसमें हमारे कितने आ रहे हैं, 5 6। यानी कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा ही नहीं, ठीक है। मैंने सब करके देख लिया, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ एक दो टेक्सचर पैक है उनसे थोड़ा सा पड़ जाता है, 2 4 FPS का फ़र्क पड़ जाता है। लेकिन जितना ज़्यादा तुम्हारा हाई गेम वर्जन होगा उतना, अगर तुम 1.8 या 1.9 में PvP करते हो या फिर कोई और वर्ल्ड खेलते हो, तो उसमें तुम्हारे FPS बहुत ज़्यादा आएंगे, तुमको बहुत मज़ा आएगा। अरे वाह वाह 100 100 FPS आ रहे हैं, वो आएंगे क्योंकि उसमें चीज़ें कम होंगी। अभी 1.8 1.20 है ना, तो उसमें इतनी सारी चीज़ें नई नई ऐड हुई हैं, तो तुम्हारे ऑब्वियस सी बात है कि तुम्हारे जो है वो हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। अब मैं देखो तुमको अगर मैं यहाँ से रेंडर डिस्टेंस कम करके दिखाऊँ, ये देखो रेंडर मैंने कम कर दिए। अब देखना 18 पे पहुँच गया 21 पे। यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता, कोई ऐसा टेक्सचर पैक तुम्हारा इतना ज़्यादा वो नहीं करता है कोई। अगर हाँ कुछ मोड होते हैं जो कि PC के लिए होते हैं, मोबाइल में जो चीज़ें वर्क नहीं करती है, ठीक है। अब मोबाइल में कितना ही खींच लोगे यार तुम लोग, है ना। मैं अभी वैसे वीडियो बहुत लंबी कर रहा हूँ, लेकिन रियलिटी चेक यही था कि भाई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा तुमको, चाहे जो मर्ज़ी कर लो, ठीक है। वो अगर कुछ चीज़ें कुछ टेक्सचर पैक या कुछ मोड तुम्हारे को अगर बूस्ट करके दिखा रहे हैं कि हाँ तुम्हारे इतने हो गए इतने हो गए, तो वो रियलिटी नहीं है, ठीक है। वो रियलिटी नहीं होती है, वो सिर्फ़ एक तुमको दिखावा है, सिर्फ एक तुमको दिखा देते हैं यहाँ पे बढ़ा के, ठीक है। जो रियलिटी थी यही थी, ठीक है। देखो अभी मैंने FPS अपना रेंडर डिस्टेंस है जो बहुत ही कम करा, तो अब देखो मेरे FPS कैसे आ गया। अगर मैं इसको
12 पे ले जाऊंगा ना, अब देखना तुम लैग, देखना तुम बस रेडी रहो तुम लैग देखने के लिए। ओके FPS फिर से अपने औकात पे आ गए 8-4। ये देखो लैग देखो भाई, तो मैं यही आपको बोलने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। ये सिर्फ आपके डिवाइस के ऊपर वो करता है, मेरी तो फिर भी डिवाइस 8 GB की है और अच्छा इसका प्रोसेसर है तो थोड़ा सा सह लेता है, लेकिन अगर तुम्हारी डिवाइस 4 GB की है, 3 GB की है तो भाई तुम्हारी तो बाट लग जाएगी, तुम्हारे तो 1.20 खुलता भी नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं मुझे कि हमारे तो भैया तो हमारे तो 20 खुलता ही नहीं है ना, तो खुलेगा कैसे। देखो ये देखो भाई कितना लेट रिस्पॉन्स हो रहा है ना, और मैं नहीं चाहता कि मेरे फ़ोन की बाट लगे, तो इसको वापस से अपने औकात पर ले आते हैं, ठीक है 3 पे रख देता हूँ। अब देखना तुम स्मूथनेस, देखना तुम अब, आ देखो अब देखो अब देखो अब देखो, ये फ़र्क है भाई दोस्तों, ठीक है। तो कुछ नहीं होता, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, तो FPS की इतना मत करा करो, आज के बाद मुझे दोबारा मत बोलना, ठीक है, कि ये होता है वो होता है, मेरे को चिढ़ मस्ती है। चलो यही थी आज की वीडियो, तो मैंने आपको रियलिटी चेक दे दिया है कि जो भी होता है ऐसे होते हैं चीज़ें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में, और देखो पिंक शीप दो दो, एक भी नहीं यार, या फिर पिंक दिख ही रही है सारी मुझे। अच्छा सुअर है, अबे सुअर है, मुझे लगा पिंक शीप है, लोल यार। चलो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अबे मार मत।